आ जाएगी, तो मासेस की तो एक सेकंड में आ जाएगी, राइट? हाँ, तो एक बार समझते हैं जरा। अब आपने कहा कि भाई अगर मैं अपना कुछ करता हूँ, स्टार्टअप करता हूँ, तो वहां पर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि मैंने सेविंग्स भी लगा दी, लोन भी ले लिया, ये भी कर लिया, और वो फेल हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 90% स्टार्टअप्स तो फेल हो जाते हैं। बट 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है? 10% सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो 10 में से एक तो सक्सेसफुल होता है ना। तो अगर आप पहले ही सोचो कि मेरे को 10 करने हैं, 10 में से एक तो हो ही जाएगा, तो क्या वो प्लान फुल प्रूफ नहीं हो गया? और किसने कहा है कि एक स्टार्टअप में 10 लाख रुपए लगाओ? 10,000 क्यों नहीं? 10,000 रुपए अगर आपने 10 स्टार्टअप में लगाए तो कितना हो गया? 1,00,000 रुपए। आई थिंक इससे ज्यादा की तो फीस ही होगी आपकी, नहीं? अभी जो जिस भी कॉलेज से आप पास आउट कर रहे हो पर मंथ 5,00,000